मैं अपनी ले रहा हूँ मटन भी चाहना पड़ता है 50,000 पे करना पड़ता है मुझे उसके मेरा लूज हुआ है ठीक है सब आपको कैसा महसूस हो रहा साहब आपकी बच्ची का वलीमा है आज यहाँ पर और हमारे हाफिज साहब जो है शादी खाने में नहीं करे और स्टेज नहीं बनवाए बड़ी दावत नहीं करे और आपको जो है यहाँ पर लाके जो है वलीमे की दावत दे रहे हैं उन्होंने साहब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे ये मेरे दामाद हैं उनके ऊपर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने अपना वलीमा ऐसे अंदाज पे किया और खुशकिस्मती की बात है कि मैंने मेरी बच्ची का जो अक्द किया है इनके साथ वो भी इनफरादी हैसियत से और किसी भी रस्म व रिवाज को सामने लाते हुए यानी हर तरह से सादगी और पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अदा करते हुए उस पर अमल करते हुए ये काम शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन ने जो रहनुमाई किया है मैं ये तमाम ही लोगों को जहाँ तक ये बात पहुँचे उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन का सपोर्ट करें और इनका साथ दें और इनके ज़रिए से ऐसे गरीबों और ऐसे लाचार मजबूर बेकस बेबस लोगों का ताउन करें यकीनन अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और ये निजात का ज़रिया बनेगा मैं मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन के मालिक से कहूँगा कि वाकई में आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है और आपसे ये काम लिया है और आप ये समझिए कि आपने सब कुछ करके ये समझिए कि कुछ नहीं किया आपको बहुत आगे तक करना है और बहुत कुछ करना है और इंशाल्लाह आपसे अल्लाह काम लेगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें फख्र है कि हमारे दामाद ने अपना वलीमा इस अंदाज पे किया बहुत ही खुशी है मुझे बे इंतहा खुशी है आमीन जज़ाकअल्लाह सब सब खाइए दुआ कीजिए मीठा डालें ला बेटा आपका नाम मोहम्मद सुलेमान हां ऐसा हां ऐसा ऐसा वाला ऐसा रहा तो दोनों की भी आती अब एक जने कवर कर लेना तो बातें करना पड़ेगा ताकि पूरा खा ले लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज हमारे हाफिज़ सुलेमान साहब है ये मक्के में रहते हैं और 7 तारीख को इनका निकाह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने वलीमा इनके खुसर इनके पूरे ख़ानदान के साथ इनके अहलिया के साथ यहाँ पर जो है खाना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वलीमा के गुरबाओं के साथ कर रहे हैं एक बार आप नौशा और उनके खुसरे से बात करें हाफिज़ साहब आज निकाह कब हुआ और वलीमा कब कर रहे हैं आप ज़रा बता दें मेरा निकाह जो है 7 तारीख को निकाह हुआ और जो है 9 तारीख को वलीमा का डेट करें और सबसे बड़ी बात है इसमें एक अहम बात है इसमें मैं मुस्तफ़ा हेल्पिंग फाउंडेशन को वहाँ के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उसके अंदर जो है सारा उनका जो है पूरा जो है दारोमदार है हम भी जो है आवाम की तरह खानदान में खिलाने का हमारा प्लानिंग था मगर मुस्तफ़ा हेल्पिंग फाउंडेशन वाले हमारे सामने बात रखे हर वो आदमी यही कर रहे हैं हम आपके यही काम कर रहे हैं आप कुछ अलग से करो बोल के हमारे मुस्तफ़ा भाई हमारे काम में बांट रहे तो उसका अहम है पूरा सपोर्ट मुस्तफ़ा हेल्पिंग फाउंडेशन वालों की तरफ ही जा रहा है क्योंकि उन्होंने समझा है अगर आप कुछ अलग करके बताओ ताकि आवाम को कुछ मैसेज करवा उन्होंने मेरे को समझा है इसकी वजह से जो है ये काम जो है उनकी सपोर्ट की वजह से आज मेरे को अल्लाह ने हिदायत दिया मैं लोगों के साथ गरीबों के साथ करूँ मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही कि अल्लाह ताला जो है हर मोमिन को जो है हर नौजवान को जो है इन लोगों के साथ शेयर करना इन लोगों के साथ जो है काम करने की तौफीक अल्लाह देना आमीन और जो है आज के जो नौजवान है जहेज के ऊपर जो कर रहे हैं काम जो कर रहे हैं और जो है हमारे बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है देखे भी जो उन लोगों के साथ जो है कुछ भी जो है इल्ज़ाम बच्चों को छुड़ाने
डालो मीठा डालो। डालो सबको डालो। अल्लाह ये पूरे मुस्ताहिक है सब। बिल्कुल बिल्कुल पूरे मुस्ताहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर वाले हैं लेकिन औलाद इनको छोड़ गया गई भी है। अभी एक साहिब है वहाँ पर सिंगापुर में हमारा काम। वाकई में आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है और आपसे एक काम लिया है और आप ये समझिए कि आपने सब कुछ करके ये समझिए कि कुछ नहीं किया। आपको बहुत आगे तक करना है और बहुत कुछ करना है और इंशाल्लाह आपसे अल्लाह काम लेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें फख्र है कि हमारे दामाद ने अपना वलीमा इस अंदाज पे किया। बहुत ही खुशी है मुझे, बे इंतहा खुशी है। हटो हटो थोड़ा फोटो ले लो। हटो हटो हो गया मारे थे कि तुम दबाई थे दबाता वो सेफ होगा ना वो बोलने के परेशान होते आपको मुस्तफा से मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा Okay.